हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज है छठ, सबको हैप्पी छठ पूजा। अभी मैं फिलहाल राइडिंग मोड में हूँ। टुडे इज छठ पूजा, वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल, एंड ये बिहार का फेवरेट फेस्टिवल है। और आज मैं जा रहा हूँ यूपी, और फिलहाल मेरा करंट लोकेशन है करमनासा। लुक एट दिस। तो मैं अभी फिलहाल करमनासा ब्रिज पे हूँ। तो हर बार मैं सेलिब्रेट करता था बिहार में छठ पूजा को, लेकिन इस बार मैं सोच रहा हूँ कि यूपी में सेलिब्रेट किया जाए, एंड यूपी का चेक देखा जाए कि क्या खास है यूपी में। तो शाम को आज इन्जॉय करने वाले हैं गाजीपुर में, और गाजीपुर का छठ पूजा को देखने वाले हैं। तो सीधा हम लोग शाम को मिलते हैं। अभी टाइम हो रहे हैं 2 PM, चलते हैं। और इस जगह से काफ़ी वाकिफ़ होंगे, क्योंकि हमको लगता है 5-6-7 वीडियो में ये वाला ब्रिज को आपने देखा होगा। एंड दिस लोकेशन अभी फ़िलहाल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तो ऐसा कोई नहीं है। हम सीधा चलते हैं गाजीपुर में और बात करते हैं गाजीपुर पहुंच के, एंड शाम को इन्जॉय करते हैं आज के फेस्टिवल छठ पूजा को। और आज हम देखेंगे गाजीपुर का छठ पूजा है कैसा भाई। तो चलते हैं, सीधा पहुंचते हैं गाजीपुर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा करने वाला हूँ नहीं। फिलहाल मैं गाजीपुर पहुंच चुका हूं। पहुंचते पहुंचते मतलब हमको 1.5 घंटे लग गए। और थोड़ा बहुत मार्केट को देखेंगे, मार्केट की ओर से मैं निकल रहा हूं, और देखेंगे कि छठ में जैसे बक्सर के अलावा यहां यूपी में, और वो भी गाजीपुर में कैसा देखने को मिल रहा है हमें। तो देखो यहां चौराहे पे हमको मिला देखने को गन्ने का, मतलब क्या गन्ना ही देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर लगा हुआ है फ्रूट का स्टॉल, और यहाँ थोड़ा बहुत हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह बिक रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं आपको शाम में एंड यहाँ का छठ घाट पे, और देखते हैं यहाँ के छठ घाट में क्या इंटरेस्टिंग है क्या नहीं है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं गाजीपुर, एंड ये जो देख रहे हैं छोटा महादेव का गेट है, एंड यहीं पर छठ होने वाला। अभी हम लोग वॉक करके वहाँ पर पहुँचना है, एंड अभी यहाँ का जो ब्यूटी है ना काफ़ी अल्टीमेट है रियली, एंड इधर भी खूबसूरत। और ये है गाजीपुर का घाट, एंड काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर भी काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। पर बक्सर जैसा कुछ गैदरिंग नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर काफ़ी फ्रेश जगह है। यहाँ पर काफ़ी बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं रियली। ये जो दीपक जल रहा है ना काफ़ी अच्छा लगता है, कलश पे दीपक जलते हुए, और उसका हाँ वीडियो शॉर्ट फिल्म तो और भी खूबसूरत लगता है। लुक एट दिस, ये यहाँ काफ़ी खूबसूरत थे नज़ारे। जो भी कहो काफ़ी खूबसूरत है। अब यहाँ से निकल रहे हैं अपने घर की ओर, एंड अब हम लोग मिलेंगे कल इन मॉर्निंग में। रास्ते ना बहुत ख़राब है। The next day. Good morning from गाजीपुर, एंड अभी सुबह के 3 बज रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं काफ़ी लाइन लगी हुई बहुत ज़्यादा अभी इतने सुबह सुबह, क्योंकि घाट पर पहुँचना है, एंड वहाँ पर जाके देखते हैं क्या क्या लोग करते हैं। एंड ये गेट है ना काफ़ी अभी खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि रोज रात में जो इसकी ब्यूटी है काफ़ी निखर के आ रही है। यहाँ पर कुछ खास हमको ये चीज़ देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे क्राउड नहीं है, जो भीड़ होती है वो नहीं है, तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं और काफ़ी चिल कर रहे हैं। छोड़ दो, और ये पता नहीं क्या यहाँ, लेकिन बहुत लोग यहाँ पर इसको उड़ा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट चाय आपको पीने को मिल जा रहा है। सच में यहाँ पर भी काफी खूबसूरत मतलब मनाया जा रहा है। अभी ये जो बत्ती दिख रहा है ये है कोसी, जिसको रात पर हम लोग ने देख रेख में कि दिया बंद नहीं हो, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं अभी कोसी को। ये अभी सुबह का नज़ारा है जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। सारी महिलाएं एंड जितने सारे व्रत लोग किए हैं, सब लोग बाहर निकल के ये गीत वगैरह गा रहे हैं, एंड देख पा रहे हैं सब लोग खड़े हैं, सूर्य भगवान का आराध्य कर रहे हैं।
और लोगों का इंतजार था कि ये लाली कब आए, और ये फाइनली आ गया। 6:30 बज रहे हैं, 6:30 बजने वाले हैं। और देखिए महिलाओं लोग काफ़ी खड़ी लोग हो गए हैं सारी। ये रहा गन्ने का, जिसको यहाँ बच्चा लोग काफ़ी लोग तमाशा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा लोग है ना मजाक बहुत ज़्यादा कर रहा है। सब अभी सुबह में इंतजार कर रहे हैं कि सूर्योदय कब हो और अपना अर्घ कब दिया जाए और यहाँ चला जाए। काफ़ी मज़ा आया इस जगह पे आके हमें। इधर का भी कुछ बहुत सारा प्यारा व्यू मिल रहा है देखने को। और ये लोग बैरिकेडिंग छोड़ के ये लोग गए हैं। तो आप पीछे वाला सिनेमेटिक वीडियो काफ़ी इंजॉय करिए, क्योंकि पीछे का वीडियो जो है ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना हुआ है। एक लंबे समय बाद मैं यहाँ देख रहा हूँ सन राइजिंग वो भी गंगा घाट में। ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। वाह अल्टीमेट। अभी जस्ट मैं एंजॉय करने वाले हूँ बोट को छोटा महादेवा घाट में, और उस वाले बोट का मैं वेट कर रहा हूँ। अभी जो एक्सपीरियंस है बहुत खतरनाक वाला एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। डर लग रहा है फिलहाल, काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें। एंड अभी हूँ अभी बोट पे, एंड पीछे का ये व्यू। मैं फर्स्ट टाइम ये गाजीपुर का घाटों पे मैं एंजॉय कर रहा हूँ ये बैक साइड ऑफ ब्यूटी। एंड वहाँ है अपना घाट भाई। मतलब बोट पे बैठे हुए मुझे काफ़ी अरसे हो गया, और डर जो है ना मतलब अलग ही लेवल का हमें लग रहा है। मैं सोच रहा था कोई डर नहीं लगेगा, लेकिन पीछे लोग हैं, बंदे लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। डर लग रहा है या नहीं लग रहा? बहुत डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मज़ा भी आ रहा है। मज़ा आ रहा है हाँ, पहली बार छठ में क्योंकि डर के आगे ही मज़ा है। बिल्कुल। और अभी हमको जितना एंजॉय करना था हमने कर लिया अब हम लोग सोच रहे हैं उधर जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। और यहाँ अपना कहीं घाट है। तो इसी के साथ हमारा छठ समाप्त हुआ, और अब निकल रहे हैं घर की ओर। तो गाइस ये था हमारा गाजीपुर का। आप पूछ रहे हो कि मैं अचानक यहाँ पे कैसे आ गया, तो मैं निकल रहा हूँ बक्सर के लिए। आई होप सो कि आपने छठ वाले वीडियो काफ़ी इंजॉय किया होगा। फिलहाल हूँ मैं गाजीपुर वाला ब्रिज पे, जिसका मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था इस जगह का। एंड यहाँ पर जो छठ पूजा है काफ़ी मज़ा आया। बिहार जैसा ही कुछ कुछ सही था, अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने ना बहुत ज़्यादा खाली खाली घाट मिला। और बस यही था, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय। एंड अब निकलते हैं बक्सर की ओर अपने घर।